नमस्ते बच्चों, एजुकेशनल क्विज मेनिया इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा सातवीं विषय हिंदी आठवीं कविता हम चलते सीना तान के इस कविता का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। क, हिंदुस्तान दैदस्तान के, आपको यह पंक्तियां लिखनी है। उत्तर, हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है। हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ख, हम दैदस्तान के, इस पंक्तियों का अर्थ है, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। दो, देश प्रेम वाली चार पंक्तियों की कविता लिखो। तो हमने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह चार पंक्तियों की कविता लिखी है। आप भी अपनी पसंद की देश प्रेम वाली चार पंक्तियों की कविता लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म जाति वर्ण भाषा प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगिनत पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। हम अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। प्रश्न चौथा, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, राष्ट्रीय गान है जनगणमन, राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय मुद्रा है सिंह शीर्ष। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। एक, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, यह विधानार्थक वाक्य है। दो, माला घर नहीं जाएगी, यह निषेधार्थक वाक्य है। तीन, इसे हिमालय क्यों कहते हैं, यह प्रश्नार्थक वाक्य है। चार, सदैव सत्य के पथ पर चलो, यह आज्ञार्थक वाक्य है। पांच, वाह क्या बनावट है ताजमहल की, यह विस्मयार्थक वाक्य है। छह, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, यह संभावनार्थक वाक्य है। सात, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, यह इच्छार्थक वाक्य है। आठ, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, यह संकेतार्थक वाक्य है। जरा सोचो लिखो, यदि तुम सैनिक होते तो बच्चों आपको अपने मन से यदि तुम सैनिक होते यह लिखना है। उत्तर, यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। मेरे चाचा जी भारतीय सेना में अधिकारी है, उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना कूदना तैरना पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी जान से अपने प्यारे देश की सेवा करता।
जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता, जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि की रक्षा करता। तो बच्चों, आप भी इस प्रकार अपनी मन से लिख सकते हो। भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ, उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो। तो बच्चों, नीचे भारत के राज्यों की प्रमुख भाषाएं के नाम दिए गए हैं, आपको ठीक से पढ़ना है और लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, हिंदुस्तान की जिसकी डैश में हम खेले खाए हैं, उत्तर है मिट्टी। दो, डैश वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, उत्तर है फौजी। तीन, कर्ज चुकाने हैं हमको उन डैश के एहसान के, उत्तर है रजकण। चार, जिसकी पूजा में सदियों से डैश के फूल चढ़ाए हैं, उत्तर है श्रम। पाँच, हम सबसे आगे रहते डैश पर बलिदान के, उत्तर है अवसर। छ, अनगिन डैश में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, उत्तर है कंठों। सात, जिसकी डैश में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, उत्तर है रक्षा। उचित जोड़िया मिलाओ। एक, वन, उत्तर है मरुस्थल। दो, श्रम, उत्तर है फूल। तीन, फौजी, उत्तर है वर्दी। चार, अगणित, उत्तर है शीश। पांच, वीरत्व, उत्तर है विवेक। समानार्थी शब्द लिखो। एक, समुद्र, समानार्थी शब्द है सागर। दो, जंगल, उत्तर है वन। तीन, रेगिस्तान, उत्तर है मरुस्थल। चार, गिरी, उत्तर है पर्वत। पांच, पुत्र, उत्तर है बेटा। छह, सिर, उत्तर है शीश। सात, ध्वज, उत्तर है निशान। आठ, गीत, उत्तर है गान। नौ, युद्ध, उत्तर है समर। दस, रज, उत्तर है मिट्टी। ग्यारह, वर्ण, उत्तर है रंग। बारह, एहसान, उत्तर है उपकार। तेरह, गौरव, सम्मान। चौदह, अनगिन, उत्तर है अनगिनत। तो बच्चों, अब हम सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि उपरोक्त प्रश्न राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।